आसमीरा के साइकिल का शौक है तो आज उसकी सुनी गई है, उसका शायद एटलीस्ट शौक पूरा हो जाएगा, आगे नहीं जा पा रही पर शौक तो पूरा हो जाएगा। हाँ बाबा, ओ वो वो कुकू बाबू, अरे शो ना बाबा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज हम आए हुए हैं डेनमार्क, आज तो नहीं, हर काफी दिनों से आए हुए हैं पर हम वीडियो नहीं चढ़ा पा रहे, वीडियो नहीं बना पा रहे बल्कि बिजी रहे हैं। हाँ। तो काफी लोग कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत लोगों ने वीडियोस वॉच की है और सब्सक्राइब किया, उन सबके लिए थैंक यू। तो हम आए हुए हैं डेनमार्क, इस वजह से हम ना वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज हम आए मॉल, तो हमने सोचा आज हम वीडियो बनाते हैं। और दूसरी बात ये थी कि हमने अभी तक अनाउंस नहीं किया गिव अवे के विनर्स, तो वो हम वापस जाके कल या परसों वापस चले जाएंगे, तो हम वापस जाके विनर्स अनाउंस कर देंगे। और फिर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, बस यही है कि हमने कमेंट भी देखे हैं और कुछ जवाब भी देखे हैं। अभी शायद हमने विनर्स को चूज़ करना है, ज़रा स्क्रीनिंग करनी है उसकी, लेकिन यह है कि उसमें जो कमेंट्स हमने पढ़े बहुत अच्छा लगा सुन के, कहीं उन्होंने ये भी लिखा कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए भाई, हमें आपका जो है व्लॉग वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप और चढ़ाए हम मिस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें पढ़ के बंदा खुश तो होता है, क्योंकि यह है कि इंसान टाइम निकालता है, आता है, प्रिपेयर करता है थोड़ा, तो ये है कि अच्छा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है और लोग ऐसे मतलब कमेंट लिखते हैं। सो प्लीज़ कीप अप डूइंग दैट, प्लीज़ कमेंट लिख करें, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के आप यकीन मानिए, और हमें अच्छा लगता है आपको आगे से जवाब भी लिखना और जितना हम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच अगेन, जैसे सुमीरा ने कहा, जो नए लोग आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमने रिसीव किया है। हमारा प्लान है कल जाने का वापस स्वीडन, तो ये है कि हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ा दिन में भी आपको थोड़ा कुछ दिखा सकें और वो करके, तो फिर 5 बजे से पहले तो फिर हम वापस जाएं और जाके हम ज़रूर विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। हाँ। तो लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, बहुत मज़े मज़े के भी, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ, और आपके सामने ही जो है ना विनर्स चूज करेंगे, हम वो करेंगे, क्या कहा था तुमने, पुरंदाज़ी जैसे होती है। हाँ, जैसे होती है, तो वो आपके सामने ही करेंगे, तो फिर अनाउंस करेंगे, तो ज़रूर रहिएगा। हम आपको ज़रा दिख देंगे कि हम किस दिन को करेंगे। कल तो हम वापस जा रहे हैं, पर यह है कि उम्मीद है सैटरडे या संडे हम जो है ये कर लेंगे। तो अभी भी आपके पास जिन जिन लोगों ने नहीं कर पाए या सोचा या देखा पर किया नहीं और ये अब देख रहे हैं, तो अगर आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, अभी भी आपके पास चांस है। आज हम आए हैं एक मॉल डेनमार्क में जिसका नाम है फिस्केचोल। फिस्केचोल का मतलब बेसिकली होता है वो प्लेस जहाँ मच्छी बाज़ार एक्चुअली होता है, और ये पानी के पास करके है, तो इसलिए ये पहले ये होया करता था, उसके बाद फिर इन्होंने मॉल बना लिया। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने छोटी फिश का ये बनाया हुआ है, सारी बहुत सारी फिश है जो ऐसे समंदर में ना। हाँ, बनाती। हाँ, आपने अगर कभी वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखी हो बनाया हुआ। हाँ, अंडरनीथ पानी के जो है ये एंट्रेंस है, ये अब हम ऊपर आ रहे हैं जरा। वहाँ स्टारबक्स वगैरह यहाँ दुकानें हैं, ये भी सारी दुकानें हैं, और वहाँ पर ये खाने पीने की जगह है, एरिया है, वहाँ ज़ारा वगैरह है। ये ज्वेलरी की शॉप है, ये तो पाकिस्तान में बेशुमार होती है। नहीं, सही बात है, गोल्ड और इधर का गोल्ड जो होता है वो ऐसे वहाँ पे आर्टिफिशियल जैसे ज्वेलरी होती है ना, वैसा लगता है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है अक्सर वो करते हैं उसका 18 कैरेट का, क्योंकि उसके अभी फिर ना वो
थोड़ा सख्त होता है ना तो वो फिर ऐसे इजली वो बैंड नहीं हो जाते हैं, ख़राब नहीं हो जाते हैं, जो भी कहना चाहिए 18 से ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये जगह जगह पे उन्होंने मछलियाँ बनाई हुई हैं क्योंकि मॉल का नाम ही फिस्किट हो रहा है। मछलियों का गोल बनाया हुआ है ये भी है। बाय द वे लियम साहब भी आए हुए हैं, अगर कोई मिस कर रहा हो उसे, हम तो खैर करते ही हैं पर यह है कि वीडियो बनाना उसके साथ क्योंकि और मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि दादो साथ आई है तो दादो के साथ लियम साहब भी फिर रहे हैं तो हम जरा अपना इधर आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं आराम से। ये इस दुकान में क्रिसमस की डेकोरेशन है, ये हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो रोनी मुझे दे रहे हैं आइडिया कि न्यू ईयर की ड्रेस मैं ये लूं। हाँ, न्यू ईयर पे थोड़ा चमकीला चमकीला आता, हमने कहा चलो भाई चमकीला आता तो ये देखो ये इन्होंने नया। तो आप भी बताइए कि आपको कैसा लगा। बाकी यह है कि हम साथ साथ न्यू ईयर तक के लिए पूरा अभी दिसंबर का महीना पड़ा, नवंबर का पड़ा, तो यह है कि साथ साथ हम आपको पूछते रहेंगे कौन कौन से आपको अच्छे लगे। लियम को हमने छोड़ा हुआ है तो वो बगैर फोन पे है, फोन के है, फोन उनका घर रह गया था तो पहले अब उन्हें ढूंढेंगे किधर है। मेटस में गए थे पहले, किधर है वो। हाय बाबा, इधर बैठे हुए हैं लियम की दादो। लियम बाबू पटाखे चल गए। आसमीरा के साइकिल का शौक है तो आज उसकी सुनी गई है, उसका शायद एटलीस्ट शौक पूरा हो जाएगा, आगे नहीं जा पा रही पर शौक तो पूरा हो जाएगा। हाँ बाबा, ओ वो बाबू बाबू अरे शो ना बाबा। अब हमारे साथ लियम भी है। हाँ, तो यहाँ डेनमार्क में भी लिडल है तो इधर आए हम। ओ क्या चाहिए, किसको आवाज दे रहा है, क्या पकड़ना है। जी व्यूअर्स, तो आज के लिए हमने यही वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा, आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे तो वो हमने किया, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और ये है कि आजकल में हम एक और बहुत अच्छी आपको व्लॉग की वीडियो बना के देंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।